सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में मास्टर लिस्ट को कैसे यूज करना है और तत्काल टिकट आप किस प्रकार बुक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप लोगों को लाइव टिकट बुक करके भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी आपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रखे हैं, तो इसे आपको अपडेट कर लेना है। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम, पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। आपको लॉगिन किस टाइम करना है, जब आप AC टिकट बुक करेंगे या फिर स्लीपर टिकट बुक करेंगे। तो आपको पता है AC टिकट 10 बजे बुकिंग स्टार्ट होता है और स्लीपर 11 बजे स्टार्ट होता है। तो ये जो काम, यानी कि मास्टर लिस्ट में जो आपको पैसेंजर डिटेल जो फिल करना है, टिकट 10 बजने से 20 से 25 मिनट पहले ही फिल कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले माई बुक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेकेंड नंबर पे माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको देख सकते हैं ऐड पैसेंजर लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको नेम फिल करना है। फिलहाल में मैं नेम फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं या फिर वोटर आई कार्ड है तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैं साइड लोअर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो चार पैसेंजर डिटेल फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए यार काफ़ी नाम फिल कर सकते हैं, लेकिन चार नाम एक साथ बुक कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल कर दिया हूँ। तो आप लोगों को इसे यूज कैसे करना है और तत्काल टिकट कैसे करना है वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। क्या है, सबसे पहले इसे तो लॉग आउट मैं कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:59 हो चुका है और यहाँ पे हमें स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है, वो भी तत्काल में। तो मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपल आप देख सकते हैं लॉगिन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं 10:59:20 हो चुका है। इसके बाद लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे यूजर वेरीफाई हो रहा है। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो मैं आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए सेलेक्ट किया हूँ। तो कोटा भी यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर चुका हूँ। डेट ऑफ जर्नी भी सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद सिंपल आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। आपको ये जो करना है, जब देख सकते हैं यहाँ पे 11 बज चुका है, तो 11:02 पर आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमें सप्त क्रांति में बुक करना है। तो नीचे की तरफ आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकिंग खोल भी चुका है। यहाँ पे मैं ट्रेन सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन सेलेक्ट कर चुका हूँ। स्लीपर क्लास में मैं क्लिक किया हूँ और यहाँ पे सिंपल आपको देख सकते हैं यहाँ पे 120 टिकट बचा हुआ था। इसके बाद पैसेंजर डिटेल फिल करना है। तो मैंने ये देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर लिस्ट में सेव कर चुका था, तो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें एड्रेस फिल करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एड्रेस फिल करता हूँ। इसके बाद मैं पिन कोड फिल कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं कि बुक टिकट पे मैंने क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस में कितना टाइम लेता है और यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे हमें 11:01 हो चुका है, जबकि मैं यहाँ पे देख सकते हैं 5-7 सेकेंड स्टार्टिंग में लेट भी कर दिया था ट्रेन सर्च करने पर। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना टाइम लेता है। यदि 1 से 2 नाम होगा तो यहाँ पे आपको 30 से 35 सेकेंड लग जाएंगे। अगर 3 से 4 नाम होगा तो आपको 45 से लेकर 60 सेकेंड के आसपास यहाँ पे प्रोसेस में लग जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड पेज पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट आ रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम यहाँ पर लग जाता है। और ये भी देखना है हमें तत्काल टिकट बुक हो पाता है नहीं हो पाता, हो पाता है क्योंकि मैं यहाँ पे मैं नॉर्मल तत्काल में ही लगाया था, क्योंकि प्रीमियम तत्काल नहीं लगाया था। यस करेंगे,
इसके बाद यस करना है फिर से हमें। यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर भी आएंगे तो कैप्चर भी हमें फिल करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट सिंपल यहाँ पर टैक्सी सेलेक्ट करना है तो मैं टैक्सी सेलेक्ट कर दिया हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सीट जो है 120 सीट के आसपास बचा हुआ है। पेटीएम ऐप वॉलेट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि पेमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 5 से 10 सेकेंड भी बर्बाद हो चुका है क्योंकि आप लोग ये नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब 10 सेकेंड आपको यहाँ बच सकता है। सिंपल मैं यहाँ नंबर टाइप करता हूँ, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएंगे, OTP हमें फिल करना है। इसके बाद हमें सबमिट करना है। तो OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है तो मैं OTP फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंपल प्रोसेस टू पे पे क्लिक करूँगा और हमें देखना है तत्काल टिकट बुक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमें वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट पे है तो यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकेंड ले सकता है। तो फाइनली देख सकते हैं हमारा टिकट जो है यहाँ पे बुक हो चुका है। तो मैंने ये सप्त क्रांति में नॉर्मल तत्काल में ही लगाया था क्योंकि अभी तो प्रीमियम तत्काल में काफ़ी सीट अवेलेबल भी होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है किराया बढ़ जाता है।